मूवी स्टार्ट होती है और एक आदमी हमें तेज तूफान के बीच आता हुआ दिखाई देता है। वह एक दुकान के अंदर घुसता है। उस दुकान के अंदर उसका रोबोट और वह कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढते हैं। फिर वह चीज़ें ढूंढने के बाद वापस अपनी ट्रक की तरफ बढ़ते हैं और रोबोट और वह इंसान दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं। उस इंसान का नाम फिंच होता है। ये उस टाइम की कहानी है जब ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है और सोलर रेडिएशन से सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है, बस कुछ इंसान बचे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक तेज तूफान आ रहा है, इसलिए वो वापस अपने अड्डे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। जब वापस वह जा रहे होते हैं तब वह तेज तूफान के बीच में से होके जाते हैं और उससे जब वह नहा रहा होता है तब उसे फिंच को खांसी आती है और वह समझ चुका होता है क्योंकि वह रेडिएशन में एक्सपोज हो चुका होता है और वह ज़्यादा समय तक नहीं जिएगा। उसका एक डॉग होता है, बस वही उसकी एक फैमिली होती है, एक उसका रोबोट भी होता है जो उसके साथ सामान कैरी करने का काम करता है। ये दोनों ही उसका परिवार होता है। वह एक बहुत अच्छा इंजीनियर होता है फिंच, इसलिए वह एक ऐसे रोबोट का निर्माण करता है ताकि उसके मरने के बाद वह उसके कुत्ते का ख्याल रख सके। वह उसमें हर तरह की इंटेलिजेंसी डालता है, एक ट्रक चलाना सिखाता है, उस ट्रक के सारे फीचर, डॉगी को कैसे पालते हैं, सब कुछ डालता है ताकि वह एक इंसान की तरह बिहेव कर सके और उसके मरने के बाद वह उसके फैमिली यानी उस कुत्ते का ख्याल रख सके। इसलिए फिंच दिन रात मेहनत करके एक बेहतरीन और बहुत ही इंटेलिजेंट एक इंसान जैसा रोबोट बनाता है और वह मैप के सारे पता लगाता है और पहाड़ों पर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ पर तूफान कम आते हैं, ऐसा उसका सोचना होता है। और वह अपनी एसयूवी लेकर चला जाता है पहाड़ों की तरफ। और जब रास्ते में वह खाने के लिए एक दुकान में रुकते हैं तब उसका गेट उससे नहीं, फिंच से नहीं खुलता, लेकिन रोबोट उसे उखाड़ के साइड में रख देता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आप पॉपकॉर्न उसमें पक जाते हैं। और एक तूफान के बीच जब वह गिर जाते हैं तब रोबोट उसकी हेल्प करता है एसयूवी को बांधने में और वह तूफान काफ़ी तेज होता है और वह उस तूफान पूरी तरह से उनको झिकझोर के रख देता है, लेकिन बस जिस तार को रोबोट ने बांधा होता है उसी से वह बच जाते हैं। तूफान में उनका टायर टूट जाता है, रोबोट उस एसयूवी को उठा के उनकी हेल्प करता है और दोनों बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। फिर वो अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। फिंच उसे समझाता है कि रेडिएशन इंसानों के लिए खतरनाक है, तुम्हारे लिए नहीं, और वह उसे ड्राइविंग भी सिखाता है। एक बार वह एक शहर में जाते हैं तब फिंच सो रहा होता है। वह उसके रोबोट उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढता है, लेकिन एक दूसरा रोबोट एक खड्डे में गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है यानी मर जाता है। तब फिंच आ जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ खतरा है। वो दोनों एसयूवी लेके भाग जाते हैं। उसे पता है कि ऐसी जगहों पर दूसरे जीवित इंसान होंगे और जो खाने के लिए हमें मार भी सकते हैं। वह इस बात से डरता है। वह पीछे देखता है तो पता चलता है एक कार उनका पीछा कर रही है और वह उनसे छुपने के लिए एक पुल के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन तभी उनका ट्रक ऊपर से टकरा जाता है। तब रोबोट उस ट्रक को धक्का मार के उस पुल के नीचे छुपा देता है और वह कार वहाँ से चली जाती है क्योंकि वह उन्हें वहाँ नहीं मिलते हैं। इसी तरह से मूवी की कहानी आगे बढ़ती, वह अपना सफ़र जारी रखते हैं। तभी जब वह जा रहे होते उनसे एक तितली टकराती और ये देखती है कि यह लॉस एंजलिस का इलाका है, यहाँ पर अभी भी ओजोन लेयर है, रेडिएशन नहीं, इसलिए वह खुली हवा में सांस लेता है और वहाँ उसे जीव का पता चलता है कि अभी भी जीवन पॉसिबल है। इसलिए दोनों एक टेंट लगा के आराम से उस धूप का मज़ा लेते हैं और फिंच उस रोबोट और कुत्ते की दोस्ती करवाता है क्योंकि अब फिंच के जाने के बाद यही उसका साथी होगा। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह उस रोबोट को थैंक यू कहता है अपनी सर्विस के लिए, बोला तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो और मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद फिंच मर जाता है, वह रोबोट उसका अंतिम संस्कार कर देता है और उसके बाद वह उस कुत्ते को खाना खिलाता है, यही फिंच ने उसे सिखाया होता है। तब तक रोबोट और कुत्ता दोनों एक अच्छे से दोस्त बन चुके हैं और वह अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। फिर हरियाली और पानी आने लगता है क्योंकि ये इलाका जीवन के लिए पॉसिबल है, ये लॉस एंजलिस है, यहाँ पर पहले भी लोग आ चुके होते हैं और वो बहुत सारे कार्ड लगा रखे होते हैं। फिर वह भी रोबोट और कुत्ता भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपना फिंच का कार्ड लगाते हैं। और इसी के साथ हमारी खूबसूरत